रामचरितमानस पर लखनऊ में संग्राम जारी। सपा कार्यालय के बाहर लगा नया पोस्टर। शूद्र के बाद लगा गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। यूपी में रामचरितमानस को लेकर शुरू हुआ सियासी संग्राम बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक हफ्ते में दूसरी बार पोस्टर लग गया है। शनिवार को एक नया पोस्टर लगा जिसमें लिखा हुआ था गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है, हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये चौपाई के कुछ शब्द गलत है, उनका विरोध किया जा रहा है। पोस्टर में नीचे मुंबई के पंडित अवधेश शुक्ला का नाम लिखा हुआ है। उन्होंने पोस्टर में खुद को पूर्व सपा नेता बताया और लगाए गए पोस्टर में अखिलेश यादव की बड़ी सी फोटो और साथ में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य नेताओं की फोटो लगी हुई थी। हालांकि इस पोस्टर पर सपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया और किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है। इसके पहले मंगलवार को एक पोस्टर लगा था जिसमें लिखा गया था गर्व से कहो हम शूद्र हैं। इस पोस्टर को अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा की ओर से लगाया गया था। पोस्टर पर संगठन के राष्ट्रीय महासचिव ने अपने नाम के आगे डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल लिखवाया था। इस पोस्टर वार में अब कांग्रेस भी कूद चुकी है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये लोग खुद को समाजवादी कहते हैं, इन्हें ब्राह्मण और शूद्र होने पर गर्व है, भारतीय होने का नहीं। काश ये कहते गर्व से कहो हम भारतीय हैं। कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट के बाद तत्काल सपा के मीडिया सेल ने भी जवाब दिया। सपा के मीडिया सेल हैंडल से लिखा गया, दलित पिछड़ों के प्रति बीजेपी और कांग्रेस की नीतियां सदैव एक सी रही हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में भी देश की नीतियां गरीब और किसान का बेटा नहीं बल्कि राजे रजवाड़े ने बनाई और कांग्रेस ने ही सामंतवाद को पाला पोसा है। डॉक्टर लोहिया ने पिछड़ों की हकमारी के कारण ही कांग्रेस का विरोध किया था। इसके अलावा बता दें कि लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरित पर दिया गए बयान के समर्थन में सपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के 1090 चौराहे पर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उन लाइन का विरोध कर रहे हैं जिसमें दलित, आदिवासी और महिला के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। सपा कार्यकर्ताओं ने रामचरितमानस से इन लाइनों को हटाने की मांग की है। कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में दलित और ओबीसी समाज के लोग पहुंचे हुए थे जिनके हाथों में तख्तियां थी जिनमें जय भीम लिखा हुआ था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।